हमारी कानून व्यवस्था भी अब बिल्कुल ऑनलाइन, यानी आपके साथ कोई घटना घट जाए तो उसे अब आप इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। वही दूसरी तस्वीर यह है जहां आज भी भारतीय परंपरा द्वारा कई विवादों को सुलझाया जाता है। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर के थाना मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के बोड़ी का पूरा गांव की है, जहां एक 30 वर्षीय महिला का अपने परिवार के ही देवर के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि अकेली महिला के साथ देवर ने मारपीट कर लिया। पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे देवर विक्रम सिंह ने मुझे मारा पीटा, जिससे मुझे काफी चोटें भी आ गई है। वहीं पीड़ित महिला की चचेरी सास ने कहा कि गलती हुई है, जिसे मैं स्वीकार कर रही हूं, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। आपको बता दें कि पीड़ित महिला के पति बाहर रहते हैं, जिससे बीच बचाव करने वाला कोई नहीं आया और पीड़ित महिला को देवर ने मारपीट दिया। पीड़ित महिला ने अपने स्थानीय पुलिस थाने मुगराबाद शाहपुर में फोन भी लगाया, पुलिस भी आई, लेकिन जैसे आप और हम जानते हैं कि पारिवारिक मामले में पुलिस का रवैया दयालु होता है, वही पुलिस की अनदेखी कार्रवाई से परेशान पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम उनके गांव के पंचायत करते नजर आते हैं। इस मामले में भी यही कारगर साबित हुआ। वैसे आपको बता दें कि किसी महिला पर हाथ उठाने पर कानून में बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। कई मामलों में तो इसमें जमानत भी अपराधी को नहीं मिलती है। महिला की सुरक्षा को लेकर कई कड़े नियम बनाए गए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी की सरकार है। ऐसे में अगर कानून इस मामले में कड़क कार्रवाई करती है तो अपराध साबित होने पर अपराधी को कई सालों तक जेल में ही दिन बिताना पड़ता है, लेकिन ऐसे मामलों में और अपराधी को सजा दिलाने के लिए काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जिसमें समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। आज कई अदालतों में हजारों पारिवारिक मामलों पर फैसले के लिए कई फाइलें धूल खा रही है, जिसके निपटारे के लिए पीड़ित को कई सालों का वक्त लग जाता है। ऐसे में कई परिवार के कई रिश्ते संबंध सालों तक जुड़ते ही नहीं, जिससे समाज का और मानव जाति का काफी नुकसान होता है। सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार और मैं हूं SS पांडे। अभी हमारी सबकी नजर की टीम पहुंची है मुगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के बोड़ी का पूरा एक गांव में। अक्सर देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में, परिवार में, आसपास छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन उस लड़ाई झगड़ा का फायदा स्थानीय जो थाना के पुलिस है वो उठाती है। हमें भी चाहिए आपस में बैठ करके बुजुर्गों के साथ, आसपास के लोगों के साथ मिल करके समझौता कर लेना चाहिए, नहीं तो जब वो मामला थाने में जाता है और थाने से जब मामला न्यायालय में जाता है तो हम और आप न्यायालय के चक्कर लगाते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में संगीता नामक एक महिला है, जिसका अपने ही परिवार में कहा सुनी हो गई थी। आइए आपसे बात करते हैं। संगीता जी, क्या विवाद कैसे हुआ, किससे हुआ, आपकी लड़ाई कैसे हुई? हम खाली सारे यहाँ गए थे, खाली हम पानी पी के हमका गोरी छोड़ दे, हम पांच मार बेटी आई बैठे, हम कहे कि बेटी हमारे कपड़ा पछाड़ दे। हम आपके कौन लगते हैं जिससे लड़ाई आपकी हुई? देवर लगते, देवर लगते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और इस लड़ाई झगड़ा को हम और आप जब थाना ले जाते हैं, पुलिस के पास ले जाते हैं, तो पुलिस उस मामले को अदालत में भेज देती है। अदालत में हम और आप चक्कर लगाते हैं, पैसा हमारा बर्बाद होता, तो क्यों ना हम और आप बैठ करके आपस में अपने घर में बुजुर्गों के साथ में बैठ करके एक सलाह कर ले, समझौता कर ले। है दाद की है ना, ये तो पहला चालक दिया सर, पहला चालक दिया। आप अकेली महिला थे, आपको उन्होंने मारा? तब मारे सास ने मार गोट पकड़े, मीना इतना बड़ा निकाल दिया, लेकिन आज तो बात हमने मारी अपने दम से गए ना हमें। थाना आप गए थे? हाँ, गए। क्या पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा चला हम पुलिस चक्कर मारा था, दौड़ दौड़ आवा था, लड़का भगाए हैं। किसके नाम आपने लिखा, नाम क्या है उनका? उनका नाम है विक्रम। विक्रम जी आपके ऊपर जो है हाथ छोड़े हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा आपसे हुई है? हाँ।
जानवर को लेकर के? हाँ जानवर को लेकर है, हमको नहाने के लिए जब नहाते हैं तब गरियाते हैं, हम उसको कभी नहीं देखे कब नहाते हैं कब करते हैं, हम लम्बत से खड़े हैं, हमको नहा के निकलेंगे हम पानी पिए। आपका तो एक ही परिवार है ना, आपके देवर समझ के छोड़ दिए समझे। अब आप क्या चाहती हैं संगीता जी, ये बताइए आप क्या चाहती हैं? अब यह आज के बाद हम सोचा था हमें मारना, अब फिर तो चाहना था मारेंगे तो हम फिर यही करेंगे। नहीं, जब आपके साथ समझौता हो जाएगा, आपके परिवार के लोग हैं, उन्होंने गलती अगर मान लिया और आगे मामला नहीं बढ़ना चाहिए, क्या आप क्या चाहती हैं? हम कहते हैं कि हम के कुछ मामला नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, चला हम भी मान लेते हैं, लेकिन हमारे पास फिर ऐसे चालक फिर उठा लेंगे, फिर हम अपने उठा लेंगे। वही संगीता जो बोल रही वो भी सही है कि अकेली महिला के ऊपर किसी पुरुष द्वारा जो हाथ उठाया जाता है ये गलत है, हम और आप बैठ करके आपस में समझौता। क्या नाम है आपका? हमारा सावित्री नाम है। संगीता की सास आप हैं? नहीं, ककिया सास। ककिया सास, आपके बेटे से लड़ाई झगड़ा संगीता से हुआ, आपके बेटे संगीता के ऊपर जो हाथ छोड़ दिए लड़ाई किए मारपीट किए, क्या उचित था? नहीं नहीं था, नहीं था ना, नहीं था, लेकिन कहा थे मरवाए थे हमका नहीं, हाँ, कुछ भी मतलब अगर उनके ऊपर चोट लगी है तो आरोप तो लगाएंगे आप ऊपर। और इसके बाद उन्होंने स्थानीय थाना मुगरा बादशाहपुर में गए, वहाँ पर रिपोर्ट भी लिखा है, पुलिस आपके पीछे दौड़ रही है। सही है, तो जब पुलिस दौड़ेगी और पुलिस मामले को FIR दर्ज कर देगी, इसके बाद अदालत में मामला चला जाएगा, अदालत में दोनों पार्टियां इधर से उधर चक्कर काटेंगे, समय बर्बाद होगा, तो क्यों ना आपस में सुलह समझौता करके रहा जाए। अब इनसे जब गलती हम माने कहीं हम थाने जाते, तब इनसे गलती मान, जब तू भाग कैसे हम तो करूं कि थाने पे। अब आप अपनी गलती को स्वीकार कर रही हैं? गलती अभी आपने देखा किस तरीके से पीड़ित महिला जो संगीता, उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर मेरे देवर द्वारा हमला हुआ, मेरे ऊपर मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ, लेकिन उनकी जो चचेरी सास है उनका कहना है कि जो मेरे बेटे ने किया गलत किया है और हम लोग अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, आगे ऐसा हादसा नहीं होगा। हाँ, हमें भी आसपास हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हम लोग आपस में एकता बना करके रहें, लड़ाई झगड़ा को ना करें। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं SS पांडे, बोड़ी का पूरा, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर।